फिर जावे ता जावे सादा सिक्की से दसदा जावे फिर जावे ता जावे सादा सिक्की से दसदा जावे विराजमान सन संघ के परोपकार कर रहे सन उस वे एक सौदागर सिख सी उस सौदागर सिख घोड़िया का उपार करया कर गया एक मंडी तो लिया दूई च फरोख्त करके आया कर गया वह घोड़िया की सौदागरी का वह कम करया कर गया उन्हें सर संघ जी चोर मगर लग गए जदों घोड़े खरीद के मंडी को जाया करे रस्ते की चोर वे घोड़े खोलिया कर क्यों बहुत सारा का नुकसान होया और गुरु अर्जन देव महाराज साहब की शरण में आया कहने लगा महाराज मैं घोड़िया का व्यापार करना है घोड़े जिस मंडी को खरीद के लगाना राज चोर मेरे चोरी ले जाते हैं मेरे को बचा नहीं हूँ कि उपाय दसो सुन के गुरु महाराज साहब जी ने कहा कि सुखा कीर्तन थोड़े का पाठ करके बढ़ा दिया कर लोहे का चोर तेरे लाने हो गया करेगा चोर नहीं आ सकेंगे महाराज मैंने रखा दे शब्द महाराज ने उसे वचन किए एक तो गुरका शब्द सवारे सोरख का शब्द तो दूसरा बलावल का शब्द तापी वाण लगी पारवन सरनाई तीजा बावन अखरी का श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत चौथा दूसरी दूसरी बार का श्लोक मन में चुगो चुगमनी चार दो श्लोक से दो शब्द से कीर्तन सोलह पंच शब्दों का पाठ से दसवीं अरदास अरदास करके बराजिया कर लोहे का कोट तेरे लारे हो गया करेगा जिन्हें चिर तू स्नान करके जलसा नहीं करेगा उन्हें चिर कोट बनिया रहा करूगा जो चोर हो वो चोर ही पकड़िया जाएगा चोर करने वाला उनके सिख ने बचन मारे का मान लिया बचन मन के चलिया गया जिस वे वो घोड़े फिर मंडी तो कदों खरीद के आया जिसे घोड़िया ला के और रात में सौन लगा चोर आ गए हरोल के गिजे सी जो अगे हमेशा चोरी कर रहे थे सिख कीर्तन सोलह का पाठ करके सौ गया जिस वे सौ गया चोरों लोहे का किला चार सवेरे प्रतीत होया तो वो अंदर ना बढ़ सके सवेरे उठ के सिख ने इनान किया जलसा का पाठ किया लोहे का कोट जनकड़े हट गया इस तरह सिख की रक्षा होंगी रही वो चोर भी पिजे हुए मगर ही लगे रहे एक दिन की गल है सिख कीर्तन सोलह कल लगे आस आ गई आस आने तो वो किला पूरा कोट ना हो सकिया कोट जब पूरा ना होया सर सिंह जी उस वक्त उन्हें चोरों का दान लग गया उन्हें अगारी पछाड़ी खोल ली कंडियाला मुंह दे लिया जब उत्ते चढ़ लगे सिख ने फिर जाग आने जाग आने तो पंज स्नान करके कीर्तन सोलह का पाठ किया शब्दों समेत फिर लोहे का कोट हो गया बिचे ही चोर रह गए वो जा ना सके अखीर फिर सिख अमृत उठ के स्नान करके जलसा का जो पाठ किया लोहे का कोट हट गया उन्होंने कहा भी भावें सानू ये चोर पकड़ा ही दे कह दी कि आज ही पा जाए पर सिखरों मंत्र सिख के जाना है भी ये जी में किला हो जाता तेरे उदारे जो जिसना कोट चक्का जाता सानू मंत्र दस ये चोर जिस वे खड़े रहे उस दिन पूछा तुम कौन हो तो भी चोर हाँ साढ़े घोड़े से चलाते रहे हैं सानू चाहे कैद करा दे चाहे कोई मर्जी रिहा कर दे अभी कोई चोरी करने वाले हाँ पर सानू ये मंत्र दस दे जिस लोहे का कोट बन गए तो जिन्हें किला चुका जाता है इन्हें कहे तो गुरु अर्जन साहब भाई उन्होंने पासों बख्शिश हुई है फिर महाराज के पास ले आया उन्हें चोरों चोरी छुड़ा के सिख उन्होंने महाराज बनाया कि इस प्रकार इस वेले की साखी है सर सिंह जी श्री गुरु अंगद देव महाराज साहब सचे पातशाह जी जो गुरु साहब की हजूरी सन करतारपुर साहब महाराज साहब महाराज की मिठी चापी कर रहे सन रात का समा सी दिन का समा सी दोपहरों दिन दे महाराज साहब के चरणों में कंधों के चोग हो गए कई थाई रत सुन आया वेख के गुरु अंगद साहब जी हैरान हो गए कि महाराज की कौन तक आप कितने गए नहीं
इतने आदर करना चरीका आ रही झाड़िया दी लहू सुने कंधिया की शोभा होने की कारण है। महाराज पूछा उस पुछन से सरगुरान कहा कि भाई सिख नी एक भेज एक अजाड़ी है वह बकरियां चार जा फिर है वह साड़ी बाणी का पाठ कर रहा है उन्हें साढ़े पास लिया सतगुरों के पास वो अजाड़ी में सिख जाके लियाया प्रेम भेजा सिख आया सतगुरु जी ने नमस्कार की। महाराज साहब ने पूछा सिखा यह जी बाणी है इन सौन वे पढ़िया कर दिने ना पढ़िया कर इस बाणी के जिते भी कोई सिख पढ़े से उदो हाजिर होने ये वेख साढ़े झरीकों लगियां ये कंधे वजे है तू प्रेम च मस्त होया पढ़ा ही झाड़ियों से असं तेरे मगर मगर फिरते तेन कंधिया तो बचाते तेरी रक्षा करते ते आप दे कंधे असियाँ वेला मैल नहीं करना झरीकों पाई हुई सुन के सिख ने निश्चा किया उदन तो साहब संगत जी गुरु साहब का यह तीन शब्द सुना पहले पाठ साहब गए गुरु अर्जन साहब ने दो शब्द चौथे का कंधिया ला के पांच शब्द किए हैं तो सोलह का पाठ रात में सौन वे मर्यादा भाई गुरदास जी ने लिखे है इस प्रकार सोलह बराबर वे कम है शाम का रहरास का टाइम है सवेर का श्री जलसा पंच बाणियों का टाइम है सुखमी साहब आसा भी वार का टाइम है रात में सौन वे सोलह का टाइम है इस प्रकार साहब सिंह जी गुरु साहब ने मर्यादा कायम की रात में सोलह का पाठ करना है बराबर वे काम को चोरों को बचने वास्ते तो साढ़े शुभ गुणों में सारे ना मार सकन सारू लुट ना सकन इस प्रकार साहब संघ जी जो मन एकाग्र हो जाए फिर काम क्रोध चोर जोड़े पो नहीं सकते शुभ गुणों के धनू दैवी संगता रूपी सरवण रूपी घोड़िया मन रूपी घोड़िया पकड़ के नहीं ला सकते चोरी नहीं कर सकते अंदर गुण टिक सकते हैं ऐसा ये महात्म है कीर्तन सोलह का।